सो कल के सेशन के अंदर, कल के क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था ग्रुप्स के बारे में, ग्रुप के टाइप्स बताए थे, ग्रुप बताई थी, ठीक है। अगर उसमें किसी को कोई डाउट हो, किसी भी तरह कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ आई हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। एनी डाउट? वॉशअप हो गया यार। सो हम प्रोसीड करते हैं आज की क्लास में। सो ये क्लियर है कि हमने कोई डाउट नहीं आपको? तो आपके सामने ये है कुछ स्लाइड के ऊपर आपको कुछ दिख रहा है, तो इसे देख के आपको क्या समझ आ रहा है? ह्यूमन बॉडी। उसके अलावा ठीक है, और कुछ? आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? हाथ है, दिमाग है, आंखें हैं, सिर है, सब कुछ है ना। अब आपको पता है एज ए ह्यूमन, आप सबको पता है जब आप छोटे थे क्लास में, फोर्थ क्लास में, आप सबको पता है इंपॉर्टेंस बताई गई कि आपकी आंखों क्या इंपॉर्टेंस होती है, बॉडी के पार्ट्स के बारे में बताया गया, ठीक है। तो आप सबको पता चल गया कि भैया मेरे हाथों का क्या इंपॉर्टेंस होती है, मेरी आंखों क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मुझे देखना है तो मेरी आंखें भी अच्छी तरह होनी चाहिए, ठीक है। अगर आंखें भी खोगे तो अच्छे देख नहीं पाएंगे। तो ये सारे रीजन बताते और हमें बताते कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। उसी तरह एज ए ड्राफ्टमैन यू शुड नो अबाउट एवरी पार्ट्स ऑफ ए स्ट्रक्चर। हर एक छोटा छोटा जो स्ट्रक्चर है, कोई भी छोटा स्ट्रक्चर है, बड़ा स्ट्रक्चर है, भले वो बिल्डिंग हो, भले वो आपकी डैम हो, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर का पार्ट पता होना आपको बहुत ज़रूरी होता है। सो इसी तरह एक इसके अंदर देखो जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो रूफ होती है, छत होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसके बिना तो कोई भी जो आपका कमरा है, कोई आपकी बिल्डिंग है, कोई भी आपका घर है, वो कम्प्लीट नहीं होता, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, आज का टॉपिक है रूफ है, ठीक है, और उसके पार्ट्स हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। सो माय टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्लोपिंग। लेसन नंबर 5, ओके। सो चार लेसन हमने पहले कर लिए हैं, और जैसे मैंने बताया रूफ के हमने बारे में जाना, तो सबसे पहले स्लोपिंग रूफ की बात हो रही है, पार्ट्स ऑफ स्लोपिंग रूफ। तो आपको पता होना चाहिए स्लोपिंग रूफ का मतलब क्या होता है। तो स्लोपिंग रूफ का मतलब होता है, सिंपल सी डेफिनेशन है, द पिच्ड रूफ इज अ रूफ दैट स्लोप्स डाउनवर्ड। यानी कि एक रूफ होती है जो क्या करती है, स्लोप करती है डाउनवर्ड। यहाँ पे एक पॉइंट है, उससे क्या जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, डाउन की ओर जा रही है, स्लोप कर रही है, ठीक है। स्लोप का वो मतलब होता है ढलान होती है, तो यही होती है आपकी स्लोप। आपको पता है पिच रूफ कौन सी होती है, मतलब जो आपकी फ्लैट रूफ होती है, सिंपल, ठीक है, जो मेनली हमारी यूज की जाती है, जैसे ये है बिल्कुल फ्लैट है। लेकिन जो आपकी स्लोपिंग रूफ है कौन सी होगी, जो स्लोप करेगी नीचे की ओर जाएगी, वो आपकी स्लोपिंग रूफ हो जाएगी, सिंपल सी डेफिनेशन। अब इसमें क्या हो सकता है, स्लोप एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, एक पॉइंट से लेके आपकी इस तरह से हो सकती है, ठीक है, सिंगल भी हो सकती है। अगर आपको डिजाइन बनाना है, मतलब बड़े बड़े बंगलों होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, सिंगल रूफ का भी यूज़ किया जाता है, सिंगल साइड का भी यूज़ किया जाता है, ताकि उसका डिजाइन बनाया जाए, ठीक है। और मेनली जो होते हैं वो टिपिकली क्या होती है, दो साइड होती है, तीन साइड होती है। सो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन थी। हम कौन कौन से मटेरियल्स यूज कर सकते हैं इसके लिए, मटेरियल्स के लिए, अब देखिए दो चीज़ है। पहले आपने झुग्गी झोपड़ी देखी होगी, उनके अंदर क्या होता है, जिसका जो स्ट्रक्चर बना होता है वो लकड़ी से बना होता है ना, आपने देखा होगा। आप गुरुद्वारे के साइड गए होंगे, वहाँ झुग्गी झोपड़ी काफ़ी है, तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर उसका बना होता है, जो नीचे का जो स्ट्रक्चर है, बेस है, वो लकड़ी से बना होता है, ठीक है। और ऊपर का जो कोई केले के पत्ते या कोई भी ऐसा मटेरियल जिससे वो छत को ढका जा सके, उससे बनाते हैं, ठीक है। सो इसी तरह हम स्लोपी रूफ को किससे बना सकते हैं, उसका जो बेस है वो हम बना सकते हैं कौन कौन से, वुड से बना सकते हैं, ठीक है, लकड़ी से बना सकते हैं, आयरन से बना सकते हैं, इन सब से हम उसका बेस बना सकते हैं। और उसको कवर करने के लिए, उसको ढकने के लिए हम इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, देखिए इस तरह का जो बना दिया जाता है, इसको ढकने के लिए हम क्या करते हैं, शीट्स का यूज करते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। हम कौन सी शीट्स का यूज करते हैं, GI और AC शीट्स, ठीक है, GI और AC शीट्स का हम यूज करते हैं, क्योंकि ये GI गैल्वेनाइज्ड आयरन देन एक्स्ट्रस सीमेंट, इनका यूज करते हैं इसको ढकने के लिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि AC की और GI की दोनों की आपकी फुल फॉर्म आपके
एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए काफ़ी ज़रूरी है और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा इसको। और ये कुछ इस तरह की दिखती है, ये जो गैल्वेनाइज जो आयरन है ये कुछ इस तरह की दिखती है। आपने देखे होंगे काफ़ी जो पन्ने होते हैं उनके अंदर इनका यूज किया जाता है। साथ ही साथ इस तरह की जो आपकी है एबेस्टस सीमेंट, इस तरह की आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो ये रही जिसमें एसी शीट का यूज किया गया। तो अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की पार्ट्स की। हम एक एक करके पार्ट्स को देखेंगे। पहले देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स के हम बारे में जानने वाले हैं। तो पहले स्पैन, एक जो स्पैन होता है वो क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली हम जो देखेंगे अभी स्पैन क्या होता है। देन राइज, व्हाट इज राइज। राफ्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन से राफ्टर्स होते हैं। कॉमन राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर, जैक राफ्टर, हिप राफ्टर, एंड देन ई बोर्ड, पुरलिन, वैली, वॉल प्लेट, बार बोर्ड, देन उसके बाद गर्ड्स एंड गैबल। इन सब के पार्ट्स हम थोड़ा डीप में जाने की डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले स्पैन। अभी जो आपकी स्लोपिंग रूफ है, ठीक है, जो आपकी ढलानों छत होती है, ढलवा छत होती है दीवार की, अब इसके अंदर ये आपकी दीवार है। ये आपकी दीवार है, ये दोनों। अब इनके बीच का जो स्पेस है, ठीक है, ये जो इसको क्या कहेंगे हम, स्पैन कहेंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे भी दिखाया गया कि यहाँ से लेके वहाँ तक आपका क्या है, जो स्पेस है वो क्या कहेंगे हम, स्पैन कहेंगे। यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे हमारा स्पैन कहेंगे। सेकेंड है राइज। अभी जो बॉल प्लेट्स लगी हुई है, बॉल प्लेट्स में हम अभी आएंगे। बॉल प्लेट्स क्या होती है, ये जो दीवारें हैं ना, दीवार के ऊपर एक प्लेट लगाई जाती है जिसको हम बॉल प्लेट कहते हैं। और उसकी जो प्रोजेक्शन होती है ये वाली, एज यू कैन सी, इस प्रोजेक्शन से लेके जो ये टॉप रिज है, मतलब जो टॉप का हिस्सा है उसके इंटरनल से जो है ना, इसको हम कहेंगे राइज कहेंगे। ठीक है, राइज आपने पढ़ा होगा, स्टेयर्स के अंदर पढ़ा है आपने। ठीक है, आपको तो अच्छे से पता होता है राइज क्या होता है। ठीक है, कि अगर मान लो ये स्टेप बना हुआ है तो ये वाला आपका हिस्सा राइज होगा। तो इसी तरह इस प्रोजेक्शन से लेके इसके जो अंदर वाला हिस्सा है रिज का, उसको हम राइज कहेंगे। ओके, थर्ड किसका है, राफ्टर। राफ्टर क्या होते हैं, मेंबर्स विच सपोर्ट एक्सटेंड फ्रॉम ईव टू रिज। और ईव क्या होता है, ये जो सबसे नीचे वाला कोना होता है, ये बोर्ड लगा होता है, इसको हम ईव कहते हैं। एंड रिज क्या होता है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, एज यू कैन सी रिज बोर्ड। ठीक है, तो ये होते हैं आपके राफ्टर जो यहाँ पे लगे हुए। अब इसमें भी काफ़ी राफ्टर हैं, कॉमन राफ्टर्स हो गया आपका, प्रिंसिपल राफ्टर है, जैक राफ्टर है, हिप राफ्टर, काफ़ी तरह के राफ्टर्स होते हैं, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले कॉमन राफ्टर, कॉमन राफ्टर्स कौन से होते हैं, राफ्टर विद स्पोर्ट रूफ कवरिंग एंड एक्सटेंड फ्रॉम ईव टू रिज। ये किसको सपोर्ट करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिंसिपल राफ्टर और आपके कॉमन राफ्टर में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। कॉमन राफ्टर के अंदर किसको सपोर्ट करता है, राफ्टर विद स्पोर्ट रूफ कवरिंग, जो रूफ कवरिंग को सपोर्ट करे उसको क्या कहेंगे, कॉमन राफ्टर कहेंगे। अगर हम बात करें प्रिंसिपल राफ्टर की, तो वो किसको सपोर्ट करेगा, पुरलिंस को। अब पुरलिंस क्या होती हैं, समझिए इस बात, ये जो यहाँ पे मेंबर लगा हुआ है उसको हम पुरलिन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा, यहाँ ये आपके हो गए राफ्टर्स, और ये जो मेंबर्स हैं इस तरह से आपके जा रहे हैं, इनको हम क्या कहेंगे, पुरलिंस कहेंगे। ये आपके राफ्टर्स हैं एंड देन ये आपके पुरलिंस। ठीक है, तो इसी तरह जो प्रिंसिपल राफ्टर इसको सपोर्ट करते हैं, पुरलिंस को सपोर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका जैक राफ्टर। जैक राफ्टर क्या हुआ, राफ्टर शॉर्टर देन कॉमन राफ्टर। जो कॉमन राफ्टर हमारी बनी होती है उससे जो छोटे राफ्टर्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे लगा दिए होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, जैक राफ्टर कहेंगे। ये तो है नहीं कि हर जगह हम क्विन पोस्ट का यूज कर लेंगे, किंग पोस्टर्स का यूज कर लेंगे। हम क्या होता है, डिजाइन बनाए तो काफ़ी तरह के हमारे जो ड्रेसेस हैं उनका यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की होती है, तो उनके अंदर हम क्या यूज करते हैं, जैक राफ्टर और हिप राफ्टर। अब उसके बाद है हिप राफ्टर। हिप राफ्टर कौन सा, राफ्टर प्रोवाइडेड होता है जंक्शन ऑफ टू स्पोक। जंक्शन क्या होता है, आपने रेलवे का जंक्शन देखा होगा, जहाँ से दो तरफ से गाड़ी आ रही है, ठीक है, जंक्शन बन रहा है उसको हम जंक्शन कहेंगे। तो उसी तरह आप देखें, यहाँ पे इधर से मेंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, इधर से क्या आ रहे हैं, राफ्टर प्रोवाइडेड होता है जंक्शन ऑफ टू स्लोप। दो स्लोप है इस तरह से, कुछ स्लोप बनी हुई है, उनके जो ये पॉइंट आएगा बीच में, ये आपकी इधर से कुछ ये स्लोप बनी हुई है, ये जो पॉइंट आएगा ये आपका जंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, जंक्शन कहलाएगा। यहाँ पे जो राफ्टर लगाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, हिप राफ्टर कहेंगे। ये वाला क्या हुआ, हिप राफ्टर। ओके,
उसके बाद बैटन्स। बैटन्स क्या होते हैं? अगर आपने रूफ को कवर करना है तो ये तो है ना कि सिंपल आपकी और जो आपका GI शीट्स हैं या फिर जो आपकी टाइल्स हैं AC शीट्स हैं जो सिंपल किसी पे भी लग जाएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, बैटन्स का यूज करेंगे। अगर मान लो आपने यहाँ पे चार्ट लगाना, तो किसका यूज करो आप, इसका जो सर्कल है Pins. का यूज करो, ठीक है। अगर आप किसी को कुछ चिपका रहे हो, जैसे वो वहाँ पे लगा हुआ सेल फोन सिग्नल प्रोवाइडर, तो उसको चिपकाने के लिए भी टेप का यूज किया गया। तो उसी तरह ये जो हमारी कवरिंग होती है, रूफ कवरिंग हो, भले कुछ भी हो, AC शीट्स हो, GI शीट्स हो या टाइल्स हो, उनको हमें सेट करने के लिए किसका यूज करेंगे, हम बैटन्स का यूज करेंगे। ये वुडन प्लैंक्स होते हैं, वुड के बने होते हैं, जो हम किस पे ले आते हैं, इन राफ्टर मेंबर्स पे ले आते हैं, ताकि हम जो शीट्स हैं हमारे उनको सेट कर सकें। देन उसके बाद हमारे ग्लीक, बट इस ग्लीक स्मॉल वुडन ब्लॉक फिक्स ऑन द प्रिंसिपल राफ्टर टू प्रिवेंट पुलिंग फ्रॉम स्लाइडिंग। अब देखिए जो हमारे राफ्टर्स होते हैं ना, जो प्रिंसिपल राफ्टर हो गया, ठीक है, या फिर दूसरा राफ्टर वो इस तरह से लगे होते हैं, लेकिन जो हमारे कौन से होते हैं पुर्लिन, वो इस तरह से लगे होते हैं, ठीक है, यानी कि इस तरह से, और ये हमारे, तो इनका खतरा होता है कि स्लाइड कर जाएंगे। अगर कोई चीज ऐसे लगी हुई है तो स्लाइड नहीं करेगी, क्योंकि नीचे से सपोर्ट आ रही है, ठीक है, और इनको यहाँ पे मिलाया जाए तो ये स्लाइड करने का, खिसकने का रिस्क बहुत कम होता है। लेकिन जो पुर्लिन्स होते हैं वो इस वे में लगे होते हैं, तो ये तो नीचे जा सकते हैं ना वजन की वजह से, तो इनको रोकने के लिए, इनको वहीं पे फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे लगा दी जाएंगे क्लीट, लगा दी जाएंगे इस जगह, ठीक है, इस जगह पे क्लीट को लगा दिया जाता है कि ये स्लाइड होने से बच जाए, यही काम होता है क्लीट का। उसके बाद पिच, व्हाट इज पिच, पिच होती है द इंक्लिनेशन ऑफ जो आपकी रूफ बनी हुई है, जिसकी इंक्लिनेशन ये वाली, ये आपकी क्या कहलाएगी, पिच कहलाएगी। अब इसमें देखिए आप किस तरह से इसको मेजर कर सकते हैं, इसमें दो करेक्ट मेथड है और दो रॉन्ग मेथड है। फर्स्ट है, अगर आप ये जो राफ्टर है इसके इंटरनल जो है ना डायमेंशन वहाँ से देख के यहाँ से करते हो, मेजर करते हो, तो आपकी जो पिच है सही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे यहाँ वाला पॉइंट, जो ऊपर वाला पॉइंट है, उसको यूज कर रहे हो, ऊपर वाला पॉइंट लेके और यहाँ से कर रहे हो, इसका इंटरनल पॉइंट यूज कर रहे हो, उनको मेजर कर रहे हो, देन डिवाइड कर रहे हो निकालने के लिए, तो वो रॉन्ग मेथड हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, या तो आपने दोनों इंटरनल जो डायमेंशन उसको मेजर करना है, या फिर जो एक्सटर्नल डायमेंशन है उनको आपने मेजर करना है। ये एक राइट वे होगा हमारी पिच को निकालने का। तो पिच अलग अलग हो सकती है, जहाँ पर अगर मान लो आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप पिच को बढ़ा देंगे। तो अब थोड़ा चार्ट की ओर देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा एक्चुअली में अंदाजा हो जाए किस तरह से आपके क्यू कॉन्ट्रस के अंदर जो आपके पार्ट हैं वो कौन कौन से होंगे, ठीक है। देन पार्ट, सबसे पहले जो हमारा पार्ट है वो है रिज कवर। ये जो कवर बना हुआ है यहाँ पे, इसको क्या कहेंगे, रिज कवर कहेंगे। ये आप पे जैसे शीट्स होती हैं, GI शीट्स, AC शीट जो भी है, उसका हम मटेरियल का हम लगा सकते हैं। सेकेंड है GI शीट, आप AC भी कह सकते हो, टाइल्स भी कह सकते हो। जो कवरिंग है ना, इसको हम क्या कहेंगे, GI शीट, AC शीट कहेंगे, कवरिंग कहेंगे सिंपल। देन उसके बाद आपकी पुर्लिंस, जो थर्ड नंबर पे है वो कौन सा है, वो है पुर्लिंस आप। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है हमारे कॉमन राफ्टर, जैसे मैंने कहा कि जो कॉमन राफ्टर होते हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं, हमारे राफ्टर्स। उसके बाद प्रिंसिपल राफ्टर, प्रिंसिपल से आपको क्या समझ आ रहा है, ये मेन होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में मेन कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। तो उसी तरह यहाँ भी क्या होगा, इसका नाम क्या दिया गया, प्रिंसिपल राफ्टर दिया गया, क्योंकि जितना भी काम होता है, मतलब मोस्टली काम कौन करता है, प्रिंसिपल राफ्टर ही करता है। उसके बाद है रिज, मैंने बताया था सबसे ऊपर का हिस्सा जो होता है किसी भी रूफ का, वो कौन सा होगा, रिज होगा। तो ये आपका रिज आ जाएगा यहाँ पर। थैंक यू सर।